यातायात पुलिस शिवपुरी ने अभियान के तहत बिना हेलमेट वाले 85 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की है, जिसमें करीब 21,250 रुपये का समन शुल्क भी वसूला गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 वाहन चालकों को, जिसमें से 4 फोर व्हीलर और 2 व्हीलर पर चालानी कार्यवाही की गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत आज माधव चौक शिवपुरी पर लगभग 250 लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई और वहीं चेकिंग अभियान द्वारा गाड़ियों को रोककर मशीन लगाई गई और दारू पीकर वाहन न चलाने की समझाइश भी दी गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जो आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई है? अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार जितने भी वाहन चालक जो दारू पीकर वाहन चला रहे हैं, जिससे आजकल दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, उनको लेके पुलिस मुख्यालय का आदेश हुआ है। उसमें हमारे द्वारा आज अल्कोहल मशहूर से सब पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लोगों पे आज चालानी कार्रवाई की आपने? अभी लगभग 70 से लगभग 100 लगभग गाड़ियों को रोका गया है, जिसमें से 3 लोग वो दारू पी के वाहन चलाते मिले हैं, जिसमें से एक फोर व्हीलर गाड़ी है, एक कैंपर है, एक टू व्हीलर गाड़ी है, और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये कार्रवाई जो की गई है, ये कोर्ट की कार्रवाई है या चालानी कार्रवाई करके छोड़ दी जाएगी? नहीं नहीं, इसमें कोर्ट में भेजा जाता है प्रकरण बना के 185 का, और इसमें न्यायालय द्वारा ही जुर्माना और अर्थदंड दिया जाता है। रुपये वाहन चलाने पर 10,000 का जुर्माना है न्यायालय के द्वारा, एक मैसेज देना चाहेंगे और लाइसेंस सस्पेंशन भी है। सर, ये नशा मुक्ति के लिए आप क्या एक संदेश समाज के लिए देना चाहेंगे? मैं अपने सीपी शहरवासियों को नशा मुक्ति को लेकर यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए घातक होता है। उसका परिवार से कितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, अगर वो व्यक्ति नशा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को पीछे ले जा रहा है। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि नशा ना करें, किसी प्रकार का नशा, नशा हर प्रकार नशा आपके लिए घातक है, आप ना करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।